गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरुजी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महिंद्रा सेज का जो ए ब्लॉक है, जिसके आसपास जयश्री पेरीवाल, सेंट जेवियर स्कूल, नीमावत इंटरनेशनल, ये सारे स्कूल्स हैं, आशियाना वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और नियर बाई ए ब्लॉक है सेज का, उसके बारे में बताऊँगा। और इसके नियर बाई प्रॉपर्टी लेने में क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों लेनी चाहिए, रोड्स की क्या कनेक्टिविटी है, उसके बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये बी ब्लॉक में बनी हुई हैं, और ये 160 फीट और 200 फीट का ये जंक्शन बन रहा है। ये जितने भी ट्रक्स आ रहे हैं, ये सब महिंद्रा सेज की तरफ से आ रहे हैं और अजमेर रोड की तरफ से जा रहे हैं। तो ये 200 फीट और 160 फीट का जंक्शन बनता है। ये 160 फीट का रोड महिंद्रा सेज का जो ए ब्लॉक है लेफ्ट साइड में, वहाँ से आ रहा है और बी ब्लॉक की तरफ जा रहा है। ये ओमैक सिटी वगैरह है, उसके बैक साइड से होता हुआ ये बगरू इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकल जाएगा। ये 160 फीट 200 फीट का जंक्शन है, आप देख सकते हैं ट्रक जो है इसी 160 फीट से होता हुआ जो सेज का जो ए ब्लॉक है उसके लेफ्ट साइड में जो 200 फीट का रोड निकला हुआ है, जो कि प्रपोज्ड है, रिंग रोड से निकल के महापुरा के बाहर से होता हुआ, कटवाड़ा से होता हुआ, उस सीधा ए ब्लॉक के से टच होता हुआ, वो सेंट जेवियर कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज जो है उसके सामने से निकल के और 250 फीट सेज रोड से कनेक्ट हो जाएगा, तो उस रोड को कनेक्ट कर देता। तो कुल मिला के 160 फीट का रोड ये 200 फीट के रोडों को कनेक्ट करता है। उसका ये जंक्शन है जहाँ हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, आसपास होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, और बेसिक नेसेसिटी की सारी चीज़ें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ पहले से ही उपलब्ध है। चौंक पुलिया से डायरेक्ट लो फ्लोर बस आती है, मैजिक बस, टेम्पो वगैरह चलते हैं यहाँ पे। और ये जो ए ब्लॉक है सेज का, इसके बारे में क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेज के अंदर वो यहीं पे हैं, और रेट में भी जो प्रॉपर्टी में डिमांड वो इस जगह काफ़ी अच्छी है। ये वो 160 फीट का रोड है जिसको गवर्नमेंट ने अभी ग्रेवल किया है, आगे ये डामर भी हुआ है, जो ए ब्लॉक है उसके अंदर बना हुआ है बाकायदा डामर रोड, और जगह जगह टूटा भी हुआ है, तो गवर्नमेंट अभी इसको डामर कर रही है, सिर्फ उसको ग्रेवल किया हुआ है अभी। ये आशियाना की बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में, और ये वो डामर रोड आ जाता है जो कि महिंद्रा सेज की जो बिल्डिंग है उसके पैरेलली चलता है। ये आप देख सकते हैं 160 फीट का रोड है, ये आशियाना की बिल्डिंग है, जो घर वगैरह देख रहे हैं आप, दीवार वगैरह सभी ए ब्लॉक का पार्ट है। तो अभी हम उस 200 फीट की तरफ चलेंगे जो कि कनेक्ट करता है रिंग रोड को वाया खटवाड़ा सेंट जेवियर होता हुआ 250 फीट रोड को। तो ये देख सकते हैं राइट साइड के अंदर सेज की दीवार है, उसके उस तरफ जो भी है, जैसे रेणुका पावर है, सन पावर है, बाकी जो भी कंपनीज हैं उनके सबके वेयर हाउस वगैरह, बाकी सब चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये वो 200 फीट रोड और 160 फीट रोड का जंक्शन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उसका जंक्शन है, और ये बाकायदा वो 200 फीट रोड का पैच है जो कि रनिंग रोड है, बना हुआ है, 200 फीट का सेक्टर रोड है, और वो अभी बनना बाकी है इस जगह पे। ये जो 200 फीट का रोड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रिंग रोड से कनेक्ट करता है 250 फीट रोड को, और ये वेयर हाउस वगैरह आप देख सकते हैं साथ में ही बने हुए हैं। राइट साइड में यहाँ पे सेंट जेवियर स्कूल है, लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो जयश्री पेरीवाल आ जाएगा, ये उस 160 फीट रोड की जगह है, और ये रोड सीधा रिंग रोड पे चला जाता है। अभी मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा इसी में वीडियो में कि रिंग रोड से कहाँ से ये रोड कनेक्ट हो रहे हैं और प्रेजेंट कनेक्टिविटी क्या है। सामने नीमावत इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग है, ये जगह देख रहे हैं आप साइड में, इधर से ही रोड निकल के जाएगा पूरा 200 फीट का। तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ से पास में ही 200 फीट का एक रोड और है जो कि महिंद्रा सेज के बीच से होके जाता है और रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। अभी वो बीच में कच्चा है और बीच में सेज के बीच में पक्का बना हुआ है, तो फ्यूचर में जब वो बन जाता है तो मानसरोवर की कनेक्टिविटी बहुत ही यहाँ पे इजी हो जाती है। ये देखिए ये वो रिंग रोड आ गया, जो कि आप जयश्री पेरीवाल के लिए जब भी कोई आते हैं बोर्ड वगैरह लगा देखेंगे आप सर्विस लेन पर रिंग रोड की, तो यही वाला अंडर पास है। इसके आसपास देख सकते हैं आप वेयर हाउस वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, और यहाँ से आप अगर मानसरोवर की तरफ से आते हैं, अजमेर रोड की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, और वो इस अंडरपास से निकल के आप महापुरा के बाहर से होते हुए सीधा खटवाड़ा होते हुए ए ब्लॉक महिंद्रा सेज वाले एरिया में जा सकते हैं सेंट जेवियर के लिए। तो जो सेंट जेवियर के लिए गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं वो इसी जगह से जाती हैं। तो ये वो रिंग रोड का पार्ट है, ये सब सर्विस लेन का एरिया है पूरा कम्प्लीटली, ये सब रिंग रोड का ही पार्ट है, और यहीं से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि जहाँ पर 200 फीट का पैच बाकायदा पहले से बना हुआ है, जो गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ पैचेस बनाती चली जा रही है, और इस चीज़ का सबूत है कि ये रोड 102% बनेगा। आप वेयर हाउस वगैरह भी देख सकते हैं इस रिंग रोड के आसपास हैं, और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इस एरिया के अंदर।
ये देखिए, ये वो 200 फीट का पैच है जो कि महापुरा के बाहर साइड में है, और ये 200 फीट का जो पैच बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है बाकायदा, यही सीधा खटवाड़ा होता हुआ सेंट जेवियर होता हुआ 250 फीट सेज रोड को कनेक्ट करेगा। बाकायदा यहाँ पे पैच बने हुए हैं जगह जगह जहाँ पे जगह उपलब्ध थी, और इस एरिया में आसपास ये जो रोड्स हैं यही यहाँ की वर्थ है। जो भी सेक्टर रोड्स हैं वो जैसे जैसे इंप्लीमेंट होते चले जाएंगे या रेट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो आप रोड्स इंप्लीमेंट होने से पहले अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बेटर ऑप्शन बताऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।